डिटेक्टिव दीदी में आज देखिए कैसे चांदनी चौक की डिटेक्टिव दीदी अपने घर को संभालने के साथ साथ दिल्ली को क्राइम की चपेट में लिए बच्चों की तस्करी का मामला सुलझाने निकल पड़ती है। दिल्ली को क्राइम मुक्त करने का सफर क्या होगा डिटेक्टिव दीदी के लिए आसान? दिल्ली, दिल वालों का वो शहर जहां 1,90,00,000 लोगों की धड़कनें संगीत बनके हवा में गूंजती हैं। इतिहास के पन्नों से बहुत से लोग निकले और बहुत बार दिल्ली के सीने पे जख्म दे गए, मगर इसके चेहरे की रौनक को कम नहीं कर सके। अफसोस, उसे आज अपने लोगों के कारण बदनाम होना पड़ रहा है। दिल्ली, जिसे आज देश की क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, यहां हर 12 मिनट में एक गाड़ी चोरी हो जाती है। हर 9 मिनट में कोई औरत यौन शोषण यानी सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती है और हर 20 मिनट में जी कत्ल की कोई ना कोई वारदात हो जाती है। दिल्ली पुलिस विश्व की सबसे कुशल महानगरीय पुलिस में से एक है, मगर फिर भी केवल 27% केसेस ही सॉल्व कर पाती है। ऐसे में इन वारदातों को कम करने का एक ही तरीका है कि हम और आप जैसे आम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और आगे बढ़ के जुर्म की इन वारदातों को कम करने की कोशिश करें। तब जनाब, हम और आप तो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जिम्मेदारी चांदनी चौक की एक बेटी ने ले ली है। आइए, डिटेक्टिव दीदी से मिलने से पहले इन रंडुओं डिटेक्टिव दीदी की फैमिली से मिल लेते हैं, लेकिन जरा सही क्रम में। ये इंदर शर्मा है, सबसे बड़े, और सबसे पहले ये रंडुए हुए थे। तू आया था अकेला, जाएगा अकेला, भाई बंधु सका सकी, ये सब मात्र तो बंधन है। इनका बंधन इनकी सेटिंग अल्पू की धर्म पत्नी कुटुम दमे की मरीज थी। एक दिन खुद ही अपना पंप कहीं रख के भूल गई और झूल गई। आंसू की जरूरत। दूसरे क्रम में अपने डैडी इंदर शर्मा का बेटा मनीष शर्मा उर्फ मुन्ना, और इसको सनम एक बार नहीं दो दो बार मिला। जीवन में शहनाई भी दो बार बजी और अर्थी भी दो बार उठी। अब बीवियों में मंगल दोष था या इनमें अमंगल दोष, ये तो मंगल मूर्ति को भी नहीं पता। तीसरे क्रम में नंबर 3 में इंदर शर्मा के दामाद और हमारी डिटेक्टिव दीदी उर्फ बंटी के पापा ऋषि शर्मा। पत्नी इंदिरा पहली बार सब्जी खरीदने सब्जी मंडी गई, पीठ पे डंडा खाया हुआ सांड पगला के इनकी तरफ भागा और ये बौखला के सड़क की तरफ, जहां से सोडी ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक दंदनाते हुए आ रहा था। जी नहीं, सांड इनके पीछे से निकल गया और ट्रक इनके सामने से गुजर गया, पर डर के मारे इनकी आंखें क्या बंद हुई, इस नश्वर संसार में दोबारा नहीं खुली। ये अपने डर से नहीं लड़ सके और ऋषि जी हालात से। यूं तो इस कोठी में बहुत सारे कमरे हैं, मगर इन्होंने इस कुर्सी को ही अपना घर बना लिया है और हमेशा यहीं पाए जाते हैं। इनसे मिलिए, ये है इस बंटी की बहन का शरारती बेटा गट्टू। माँ का चेहरा तो उसने कभी देखा नहीं, तो अब बंटी ही इसकी मौसी भी है और माँ भी। बड़े पापा देखो, बंटी मौसी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। इंदर शर्मा और मुन्ना ने इसे एक ऑफिशियल टाइटल दिया हुआ है, रंडवा निवास का कीटाणु। कमाने वाली एक और खर्च करने वाले अनेक। महीने की हर पहली तारीख की तरह रंडवा निवास में आज भी सबको जेब खर्च मिला है। किशन भगवान कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत। नमस्कार नाना जी, प्रवचन की सीडी लाया हूँ आपके लिए। अरे भैया जल्दी दे दे सीडी। बड़ापे ने आपको जाहिर संस्कारी बना दिया पिताजी। मेरी उम्र के हो जाओगे ना तुम भी संस्कारी हो जाओगे। लाया लाया तू, एक स्कीम भी है। स्कीम? 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पर रामदेव का सेट भी मिलेगा। दिखा दिखा। सही है, नहीं है ना? बिल्कुल, ये ले पकड़, निकल जाओ।
गन पहलवान, अरे लैंड करा दे पहलवान इसे जमीन पे, तो हवा हवा में निकल जाएगा बेचारा। गन पहलवान, चुप हो जा मेरे बाप, कहीं झांसी की रानी ना सुन ले। रानी झांसी कर दे। अब क्या पता था कि झांसी की रानी सुनी नहीं बल्कि देख भी रही थी। गट्टू के दिए गिफ्ट में कैमरा जो छुपा दिया था उसने। क्या कर रहा है यहाँ पर? तो ये हो रहा है मेरी इकलौती कमाई के साथ। चल गांधी जी के बंदर, बता दे लॉटरी का नंबर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको दिया हुआ हेलीकॉप्टर उड़ाया था। पता नहीं बड़े बाबू को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो मारूंगा कान के नीचे। अरे दो मिनट भगवान का नाम क्या ले रहे थे, नाम ही नहीं लेने देता ये। इस पिल्ले कोई देख कर आया होगा गुस्सा, 50 बार बोला है इसे किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दो। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना आप दोनों को गट्टू से। गट्टू आज फुटबॉल मैच है ना, चलो आप जाकर तैयार हो जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस घर में मर्दों के होने के बावजूद मैं अकेली बंदी दिन रात मेहनत करके इसलिए पैसे कमा रही हूं कि आप ये जुआ खेल सकें। महीने की पहली तारीख है, बाई के, बनिया के, राशन के, पापा के मेडिकल बिल्स, न जाने किस किस के पैसे देने, और आप ये कर रहे हैं। अब ये बताइए कि फुगन को कितने पैसे देने? बताओ ना कितने पैसे देने। और नाना जी आप, अगर आपने बाबा रामदेव के नाम पे इस घर में और गंदगी मचाई ना, जेब खर्ची बंद करके वृद्धाश्रम में भेज दूंगी। माँ कैसे आए गोरी? अरे अरे दिल्ली सिंह, आप कहाँ चले? दीदी वो चाचा जी से मिलने जा रहे थे दरियागंज। अच्छा दीदी हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमसे गलती, खड़े हो, तुमसे गलती हुई दीदी। हमें 80 साल की बूढ़ी माँ है, एक बहुरिया है, 2 बच्चे है, 1 भैंस है, 3 बकरिया है, उसके 3 बच्चे है। बकवास बंद कर, तेरी माँ को मरे 8 साल हो गए, शादी तूने कभी की नहीं और भैंस तो तेरे पास कभी थी ही नहीं। इधर देखो, जिस दिन इस घर में लाई थी ना उसी दिन पूरा बायोडेटा चेक कर लिया था तुम्हारा, बस नहीं पता कर पाई तो ये कि तुम बच्चों के हिस्से की मलाई चुरा कर खाते हो। एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस घर में चीज और बटर सिर्फ गट्टू के लिए आता है। दीदी हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करेंगे हम, सच्ची हम पानी भी आपसे पूछ के पिएंगे। एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेरी नजरें इस घर के हर कोने में, आ
पूरा यकीन है पापा, अगली बार आप सिर्फ अपनी पलके नहीं झपकाएंगे बल्कि बात भी करेंगे अपनी बंटी से, है ना? गट्टू, गट्टू चलो। क्या नंबर आया? ओए, ये संतरे लेके जा रहा, मुझे देता ही नहीं है, है? चले शतरंज खेलें। किसको बोल दिया? थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके। इंटर स्कूल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना। मैं करूंगा। मेक मी प्राउड। बाय बाय। जल्दी से ऑफिस पहुंचती हूँ। मिस्टर केजरीवाल अपनी बीवी की रिपोर्ट लेने के लिए उतावला हो रहा होगा। बेबाबा औरत, अरे क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। नागलोई की एक छोटी सी बस्ती में रहती थी और उसे ब्याह कर मैं यहाँ, मेरा मतलब पीतमपुरा लाया, गाड़ी दी, घर दिया, सब कुछ दिया। क्यों जी? और उसने आशिक भी पाला तो मेरे खर्चे पर। अजी अजी, औरतों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी जी, औरतों पर भरोसा करने का मतलब है कुल्हाड़े पर सर मारना। औरतें तो बनी इसलिए है ना कि वो आदमियों का सत्यानाश करे। अगर आवारा गलियों में चट्टा घूमेगी तो चक्कर तो चलेगा ना जी। मेरा बस चले ना तो दिल्ली की सारी औरतों को इकट्ठा करके जंतर में। बस कर, फीस दे और निकल यहां से। जो बोलना है ना घर जाकर अपनी बीवी को बोल। ज्यादा बकवास की ना तो अभी क्या? हाँ, तू तो बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? अरे औरत जो है, क्या करेगी तू? केस करेगी मुझ पर, जेल भेजेगी मुझे, और तू किस बात की फीस मांग रही है? मेरा घर तोड़ने की? अरे तुम जैसी औरतों ने ना हम जैसे आदमियों का सिर्फ घर ही लूटा है, सिर्फ घर लूटना। और तू ऐसे घूर घूर के मुझे क्या देख रही है? क्या करेगी तू? हाथ उठाएगी मुझ पर? उठाना उठाना हाथ तुझ पर। अब फीस निकालेगा या मैरी कॉम भी देके जाएगा? निकालता हूँ निकालता हूँ। ये लो। पंद्रह तेरी बीवी के सच का और पांच तेरी घटिया सोच का। ओए जंतर मंतर, अपनी जवानी तो लेता जा। सारे पुर्जे टाइट हो गए। चांदनी चौक से लेकर मेहरौली के फार्म्स तक सब जानते हैं कि बंटी बिना फीस के कोई केस नहीं लेते। बेचारे केजरीवाल का पाला आज तक सिर्फ अपनी पत्नी से पड़ा था, इसलिए वो भूल गए थे कि औरत सिर्फ मर्डर की मलिका शरावत नहीं होती बल्कि दंगल की गीता और बबीता फोगाट भी होती है। Thank you.
मिंटू शो है रामलीला में सारे डायलॉग सुनना ठीक है और खूब मजे करना सुनाई दे रहा है सोना सोना दीदी उत्तरी दिल्ली से एक बार फिर बच्चे की लापता होने की घटना सामने आई है बताया जा रहा है कि ये बच्चा भी रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में आए हुए मजदूरों का ही था पिछले एक महीने में बच्चों के लापता होने की 10वीं घटना है आखिर कर क्या रही है दिल्ली पुलिस क्या हुआ शंका बहुत जल्द बताएंगे हमारी गंगा मौसी का शंका अली के साथ मुदित त्रिपाठी जी न्यूज शंकर भी तो आज कट्टू और मिंटू के साथ स्कूल के रामलीला कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला था ना देखी मुझे उस पे तरस आ गया फिर क्या सोचा कि आज इस बेचारे को मौका दे देते हैं अरे मैं तो कभी भी गोल मार दूंगा टेलर है टेलर मैंने इन्वेंट किया है अगर तुम में से मुझे कोई भी छूने की कोशिश करेगा बस मो जाएगा मैं सुपर आमू जोर से बोलो वेलकम थैंक यू मुस्कान एनजीओ की तरफ से हम मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज श्री अभय गहलोत जी की धर्मपत्नी मिसेस गहलोत जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल मुस्कान के बच्चों को दिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिसेस गहलोत जी थैंक यू आभार तो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ मिसेस कुलश्रेष्ठ का जो इन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं रामलीला तो बहुत देखी है मैंने लेकिन आज बाल रूप में श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ श्री हनुमान जी के भी दर्शन होंगे हनुमान लंका से लौट आए हैं माता सीता का समाचार लाए हैं हनुमान को शीघ्र प्रस्तुत किया जाए जी भ्राता श्री हनुमान क्यों नहीं आया अब तू यहाँ क्या कर रहा है जाके हनुमान को लेकर आना उसकी एंट्री है हाँ तू हनुमान हमेशा लेट क्यों जाता है
मासी क्या करूं? यहाँ एक एक करके दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे गायब होते जा रहे हैं। अब तक पुरानी दिल्ली के शंकर के लापता होने की घटना सुलझी भी नहीं थी कि दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस कुछ कर पाएगी या फिर कोई आम इंसान अपनी काबिलियत के दम पर बच्चों के लापता होने की इस घटना को रोक पाता है। मिंटू, 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 मिंटू। सोना, बच्चों को वहीं रखना। जिस बात का डर था वही हुआ। ढूंढने निकले थे मिंटू को और गंगा मौसी की बेटे शंकर की डेड बॉडी मिली है। ये बहुत बड़े क्राइम का मामला है और मुझे इस केस की तह तक जाना होगा, पुलिस की मदद लेनी होगी। बच्चों की तस्करी का मामला अब चांदनी चौक की डिटेक्टिव दीदी खुद सॉल्व करेगी। अपने मुन्ने के बिना दीदी, मुझे मेरे मुन्ना दे दो दीदी, प्लीज दीदी मेरा मुन्ना ले आओ दीदी प्लीज। कहीं इन्हीं हाईवे के ट्रक वालों ने तो मिंटू का किडनैप नहीं किया? चाहे कुछ भी हो जाए, मिंटू को कुछ भी होने से पहले मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। चैन से नहीं बैठूंगी तब तक। दीदी ये पुलिस वाले बहरे हो गए हैं। दीदी मेरे पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं है। दीदी मेरे मिंटू को बचा लो। दीदी दीदी मेरे मिंटू को वापस ले आओ। दीदी दीदी मेरे मिंटू को ले आओ। दीदी मिंटू को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। मुझे भी इंसाफ चाहिए। किसने मारा मेरे शंकर को? कौन दिलवाएगा मुझे इंसाफ? आज तक मेरे मंगल को किसी ने इंसाफ नहीं दिलवाया, तो तुम्हें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? गरीब का बच्चा जब मरता है ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। आपको भरोसा है ना मुझ पर? है ना भरोसा? तो भरोसा रखिए, मैं आप सबको इंसाफ दिलाऊंगा और हर उस बच्चे को वापस लेकर आऊंगी जो जो अपनी माँ से दूर चला गया, और वो भी बहुत जल्द। शहर कोई भी हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे हाईवे या उसके आसपास से ही गायब हुए। कहीं इस काम के लिए ट्रक या ट्रक वालों को तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? Thank you.
हुआ ये सब? हाँ महाराज सर, हाथ किससे पूछ के लगाया? कौन है ये? बंटी यार मैं सावासी देगी, देख अपनी बरसाती के लिए क्या किराएदार ढूंढ के लाया हूं मैं। भीट अमर उजाला, ट्रकिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए जनानी कौन है और यहाँ के गुल खिलाड़ी है? रे बावली पूछ, कमीज के अंदर रह के बात करियो। मकान मालकिन हूँ यहाँ की, और तू यहाँ रहेगा या नहीं इसका फैसला मैं करूँ। डील फाइनल करने से पहले इसका लाइसेंस, आधार कार्ड, कमीज का मीटर चेक किया था या सिर्फ नोटों की गड्डी देखकर फाइनल कर दिया? और तू कागज दिखा, नहीं तो 9-2-11 वाले। अरे मकान मालकिन से की इटलर। और भाई तूने तो मुझसे कहा था इस रणवे निवास में सिर्फ रणवे रहते हैं, ये जनानी क्या कर रही है? वो देख, रणवा नंबर 1, रणवा नंबर 2, ये रणवा नंबर 3। और सर हमारी लुगाई को क्यों मार रहा है? हमारी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ चल ठीक है भाई, एक काम कर, लाओ मन्ने मेरे 8,500 वापस दे दे। अरे कौन रोज और मत्था बनाएगा इससे? यहाँ खड़े खड़े ना भसड़ मत। ओ मैडम जी, मन्ने बात ही नहीं करनी। अरे भाई कौन समझा, पट्टा सवेरे से गाड़ी लेके निकला है, रात को आएगा थक्का हार, और के देखे सामने खड़ी है मैडम जी बन के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल समझ ले, पूरे चांदनी चौक में मासी के साथ बदतमीजी करने वालों को ऐसी ग्रण लगता है। जा श्री राम। गट्टो, अबे भूतनी के, तेरा बाप तो तुझे पैदा होने से पहले यहाँ छोड़ के चला गया। मामा, तू हमसे किस बात का बदला ले रहा है? गट्टू, जिसकी वजह से आपने गट्टू से ऐसे बात की ना, मुझे उसे इस घर में रखना ही नहीं। अभी के अभी इसके पैसे इसके मुंह पे फेंक के मारो। लो दे दो हमारे पैसे पूरे 8,500। मैं ना रहना भाई इस घर में, भाई गुरुद्वारे में रह लूंगा, पर इस पागल खाने में ना रह पाऊंगा। दे दे मेरे 8,500। और बेटा तू तो बेटा मिल मुझे गली में कभी, तेरा 1/2 ना किया ना तो देख लेना। ए, घर पे आया मेहमान समझ कर छोड़ दिया, बाहर गली में पंगा मत लियो, चांदनी चौक का बच्चा जानते गट्टू को। देखते हैं बेटा। ला भाई फिलहाल तो तू मेरे 60,000 दे दे। सुन क्या रहे हो, मारो ना इसके पैसे इसके मुंह पे। अरे वो टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई। किसकी टाइमिंग? अरे जितने में ये एडवांस देके निकले उतने में वो भूतनी का फुग्गन आ गया। मैंने ठीक से पैसे भी ना गिने, वो गड्डी मेरे हाथ से छीन के ले गया ससुरा। अब इन लोगों के पास मुझे देने के लिए पैसे भी ना है। तो फिर अब क्या होगा? अब होगी पुलिस कंप्लेन। वे भाई ज्यादा दिमाग ना लगा, बरसाती ऊपर है। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होता तब तक हाथ पैर जोड़ के इसे ही किराएदार बना लेते हैं, बाद में बात की देखेंगे। क्यों अब जे अगर ये प्रिंसिपल साहिबा मान गई तो एक बात कान खोल के मेरी भी सुनी लो। क्या मेरे इस घर में रहने के पीछे 3 शर्तें हैं।
पहली, मुझे इस मैडम का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। कबूल है। दूसरी, मुझे इस मैडम का चेहरा कभी नहीं दिखना चाहिए। कबूल है। तीसरी और आखिरी शर्त, मुझे इस मैडम का चेहरा कतई नहीं दिखना चाहिए। कबूल है। अब क्या मेरा निकाह करा के मानेगा? चल वजन है। यू मैन प्लीज। यो क्या कर रहे है? हाँ पहुंच गया। ये आदमी ऊपर से कितना भी रफ एंड टफ देखने की कोशिश कर ले पर ट्रक का ड्राइवर तो नहीं हो सकता। और ये नाम अमर उजाला भी कुछ अजीब सा नहीं है। मासी, नाना जी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका नाम भी अमर उजाला है। फूल, इसने अपना नाम अमर उजाला अभी यहीं पे बनाया। शहर में नया है, रहने का कोई ठिकाना भी नहीं और ट्रक का बिजनेस। कुछ तो गड़बड़ है गट्टू। कहीं इसका ट्रक भी शहर में होने वाले हादसों में तो इन्वॉल्व नहीं है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बेवफा डॉली, तुझे मेरे साथ ऐसा क्यों बता पुलिस को कहां छुपा के रखा है? जी प्लीज। मतलब गलत काम करवाई के ही छोड़ोगी? बैठे रही है। सर मैंने यहाँ से किसी को भागते देखा सर। यहाँ से देखो, देखो कौन? क्या देखो देखो कौन? क्या देखो देखो कौन? शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। एक तो आप दोनों से खुद से मुजरिम पकड़ा नहीं जाता और कोई इतनी मुश्किल से पकड़ के लाए तो आप दोनों से संभाला भी नहीं जाता। वो वहां मुझसे गन छीन रहा था और आप दोनों जाकर टेबल के पीछे छुप गए थे। वो क्या है ना जी, बंदूक पे ये तो लिखा नहीं है कि वो खाली थी या भरी थी। और वैसे भी गोली का कोई रिश्तेदार थोड़े होता है जी। ऐसे हनुमान जी की कसम से सच्ची सच्ची बताना, डर तो आप भी गई थी ना। कंप्लेन लिखिए। फर्जी नाम अमर उजाला, असली नाम मालूम नहीं, मेन सस्पेक्ट इन द मिंटू मिसिंग केस, जो अभी अभी आप दोनों की लापरवाही की वजह से यहां से भाग गया। एक बात आप दोनों समझ लीजिए, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी है।
आप लोगों की थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चे क्राइम का शिकार हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? ना जी मैडम, कंप्लेन तो हम नहीं, हमारे बॉस लिखेंगे, स्पेशल एजेंट फ्रॉम द क्राइम स्क्वाड भीम सिंह भुल्लर। कौन है ये और कहां है ये बुलशिट भुल्लर? मुझे ना इस बार कोई फालतू का बहाना नहीं चाहिए, आप अभी के अभी FIR लिखिए, नहीं तो शहर से गायब होने वालों की गिनती दो ज्यादा हो जाएगी, 12 और 13। और आप कह देना अपने इस बुलशिट बुलर से कि जाकर अरेस्ट करें उस अमर उजाला को, नहीं तो उसका भी यही हाल करूं। कोई नया पट्टा लगता है, पहले कभी नहीं देखा इसे। बच्चों की उम्र लगभग 6 से 8 साल के बीच। शंकर के सर पे वार किया गया था, बाकी बॉडी पर चाकू या किसी हथियार का कोई निशान नहीं था। बच्चों के साथ इतना गंदा काम, या ये काम किसी पुराने गैंग का नहीं है, या तो वो इस धंधे में नया आया है या इस शहर में उसका पहला काम है, बस इतनी गेम समझ में आती है। लेकिन ऐसा कौन सा क्राइम है जिसमें सिर्फ गरीब बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं? अब साला ऊंट भी दौड़ने लगे रेस में, कल को कुत्ते और गधे भी दौड़ेंगे। कितने की बैठे हैं? अबे 10 का रिटर्न 100 रुपए है, 100 का रिटर्न 1000 तक। अरे दाढ़ी बना रहा है, आ गई ना अपनी औकात, भूल गया शायद सुबह का काम। फोन दिखाइए, दिखाइए। बताइए। अरे वो बच्चों का वजन ज्यादा नहीं होता, इसलिए उन्हें ऊंट की सवारी कराते हैं। उनको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाया जाता है। खूब मोटी गेम चलती है ऑनलाइन पे, तो 10 का 100 और 100 का 1000 तक जाता है, ज्यादा कुछ नहीं लगता। वो शाहरुख भाई बोलते है ना, बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग चाहिए बस। मतलब मिंटू का किडनैप इसी काम के लिए किया गया? मुझे हर हाल में इस क्राइम को रोकना होगा, ये बहुत बड़ा सुराघात लगा है मेरे बच्चों की जान बहुत बड़े खतरे में। ए, दो दिन खाना कम करें इनका, वजन अपने आप कम होगा। चल बैठ, इसका भी देख। शंकर को शायद इसलिए मारा था क्योंकि उसे पोलियो था और सिंडिकेट को हैंडीकैप बच्चे नहीं चाहिए। हेलो बंटी बेटा। जी मिसेस कुलश्रेष्ठ। मुन्ना का कुछ पता चला?
पता चला तो नहीं है, लेकिन अब पता चल जाए। शंकर की दूसरी चप्पल मिल गई। तो इस वक्त कहां पर हो? शंकर की बॉडी जहां मिली थी उसी के पास एक गोडाउन। मिसेस कुलश्रेष्ठ लगता है अमर उजाला और उसके साथी यहीं से ऑपरेट करते हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वापस ले आओ दीदी। कुछ नहीं हो। गरीब का बच्चा जब मरता है ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। मैं आप सबको इंसाफ दिलाऊंगी, हर उस बच्चे को वापस लेकर आऊंगी जो अपनी माँ से दूर चला गया।